एक घरेलू सफाई कर्मी यानी घर का एक नौकर देश की शीर्ष कंपनी में सीईओ बन गया। रुको, छोटे छोटे कामों के लिए इतना टाइम लगाओगे? मार्केट में भीड़ बहुत थी इसलिए लेट हुआ। हाँ, लोग तुम्हें ही देखते होंगे ना, तुम किसी हीरो से कम नहीं हो ना। अब इतनी देर जो लगाई है तो दिखाओ क्या लाए हो। तुम्हें तो घर के कामों की बिल्कुल समझ नहीं है, क्या कहा था और क्या उठा कर लेकर आए हो। लौकी और तरोई भी लाया हूँ। लौकी और तरोई जैसी सब्जियां तुम ही खाओ। अनिका ने अपने पिता के कहने पर नक्श से शादी की, जो बात चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मौका मिलता चित्रा अपने दामाद नक्श को जलील करती। वहाँ दूसरी ओर अनिका के मन में भी नक्श के लिए कोई भावना नहीं थी। चित्रा चाहती है कि उसकी बेटी नक्श को तलाक दे दे और उसके लिए वो एक प्लान बनाती है। अनिका, मैंने कहा था ना उसे किसी काम की समझ नहीं है, वो जो करता है उससे हमें गुस्सा आता है। तुम जबरदस्ती उसके साथ क्यों रह रही हो? मेरी मानो तो उसे तलाक दे दो, शादी को 2 साल हो गए हैं और वो अभी तक घर पर ही बैठा है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। भले ही वो कोई काम करे या ना करे, मेरे पास जितना भी है ना मैं मैनेज कर लूंगी। आप खामोखा परेशान मत होइए। ठीक है, नहीं बोलूंगी। तुम्हारी वजह से ही उसकी आदतें खराब होती जा रही हैं। अब तक तो ये घर और कंपनी अच्छी तरह से चल रही हैं। जो चाहे कर लो पर वो तुम्हारा घर नहीं संभाल पाएगा। अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। मम्मा, वो बहुत अच्छे से संभाल लेगा, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। आप भी ना। और ये कहकर अनिका वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। पोछा लग जाए तो कॉफी बना देना। नक्श सिर हिलाकर कहता है हाँ। इतनी बेइज्जती के बाद भी नक्श चुपचाप अपना काम करता रहता है। नक्श। हाँ। मम्मी को कॉफी देने के बाद जरा ऊपर आना। सासू माँ, ये लीजिए कॉफी। ये क्या तरीका है, कॉफी मुझ पर गिर जाती तो? सॉरी, अनिका बुला रही है, वहाँ जाना है। कॉफी ठीक से तो बनाई है ना? अगर कॉफी अच्छी नहीं हुई ना तो अपनी बेटी से कहकर घर से निकलवा दूंगी। नक्श, तुम आ रहे हो या नहीं? अब यहाँ क्या खड़े हो, वो बुला रही है, जल्दी जाओ। दरवाजा बंद करो, ये भी बोलना पड़ेगा। ओह। क्या तुम ऐसे ही साफ सफाई करते रहोगे और मेरी मम्मी को जिंदगी भर कॉफी पिलाते रहोगे क्या? नहीं अनिका, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मुझे नहीं सुनना। अगर इस महीने तुम्हें जॉब नहीं मिली तो यहाँ से चले जाना। मेरी कंपनी में मैं तुम्हें रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा, अपना हुनर दिखाना होगा, तब जाकर मुझे खुशी होगी, समझे? कुछ समझ आया कि नहीं? हा? सुन रहे हो ना? हाँ, मैं समझ गया अनिका। अब मेरे साथ आओ। कंपनी में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए अनिका को नक्श अपनी स्कूटर से ही ऑफिस ले जाता है, जहाँ विहान उसका इंतजार कर रहा है। हेलो अनिका, क्या हुआ? Hi. इतनी देर हो गई? क्योंकि उस समय कंपनी लॉस में थी और अनिका को फंड्स की जरूरत थी, विहान जो अनिका को चाहता है वो अनिका को फंड्स देने के लिए तैयार हो गया। I'm sorry, विहान, मेरी वजह से हुआ। ये सुनने के बाद विहान पीछे खड़े नक्श को देखता है। ये कौन है, तुम्हारा ड्राइवर? नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड है नक्श। नक्श का इंट्रो मिलने के बाद विहान नक्श की तरफ हाथ तो बढ़ाता है पर मिलाता नहीं। हेलो। ओ ओ, सॉरी नक्श। तुम आखिर करते क्या हो, कोई बिजनेस है क्या? नहीं विहान, ये जॉब की तलाश में है, यहाँ वहाँ ट्राई कर रहे हैं। विहान ये सुनकर चौंक जाता है, उसे लगा नक्श से बात करना फिजूल है, वो बस मुस्कुराता है। जिसका पति इतना बड़ा लूजर है उसे बटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। विहान कुछ सोचते हुए कहता है, मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है, ज्वाइन करना चाहोगे? हाँ। विहान के अचानक पूछ लेने पर नक्श को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। ऑफ कोर्स, ये करेंगे, चिंता मत करो, अच्छी जॉब है। अनिका और विहान दोनों अंदर चले जाते हैं और अनिका नक्श को जाने का इशारा करती है। नक्श वही बातें सोचते हुए घर वापस लौटता है, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है, दूध उबलकर गिर जाता है। चित्रा ये देखकर उसे बहुत डांटती है।
एक पैसे की कमाई नहीं है और इतना नुकसान करते रहते हो। अनिका आती ही होगी, जल्दी से कॉफी बनाओ। अनिका शाम को घर लौटती है। आ गई बेटा, कॉफी पियोगी ना? अभी नहीं माँ। और नक्श को देखकर कहती है, चलो अंदर बात करनी है। क्या हुआ बेटी, इतनी गुस्से में क्यों हो? ऑफिस में कुछ हुआ? इसने तो कोई गड़बड़ नहीं की? ऐसा कुछ नहीं है माँ, ऑफिस की बात है। लाड साहब वो कॉफी मुझे दे दो। अगर तुम्हें सामने से कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या तुम पूरी जिंदगी घर में नौकर बनकर बैठे रहोगे? देखो, उसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वहाँ नौकरी करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें यूज कर रहा है। ये सारे एक्सक्यूजेस मुझे मत सुनाओ। बात ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि कंपनी कैसे चलती है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, मेरी कंपनी मुझ पर भरोसा करती है और मैं उसे डूबने नहीं दूंगी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, पर मैं विहान को किसी भी हाल में धोखा नहीं दूंगी। फिर नक्श अनिका से कहता है, ठीक है अनिका, मैं वो नौकरी करूंगा। ये सुनकर अनिका नक्श के पास आकर उसे गले लगाती है। कई सालों बाद अनिका नक्श के इतने करीब आई, नक्श इस बात से खुश हो जाता है। मैं विहान को कॉल करती हूँ। अनिका फोन निकालती है और विहान को कॉल करती है। हाय। हेलो विहान, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मेरे हस्बैंड जॉब के लिए मान गए, तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, कल उसे मेरे ऑफिस भेज देना। थैंक यू सो मच। नक्श, विहान तुम्हें जॉब देने के लिए रेडी हो गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अनिका को ये जानकर बहुत खुशी होती है, उसके दिल में विहान की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वहाँ मैनेजर विहान के फोन काटते ही उसे डांटता है। क्या कहा? क्या सच में आप उसे जॉब देंगे? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? ये सुनकर मैनेजर को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो चुपचाप देखता रहता है। वो सबसे ईमानदार और भरोसेमंद बंदा है, और हमें भी सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इस पर मैनेजर जोर से हंसता है। अगले दिन अनिका नक्श के साथ विहान की कंपनी में आती है। इंटरव्यू के लिए टेंस्ड नक्श वहाँ लॉबी में वेट करता है। ऑल द बेस्ट। मैं विहान से मिलकर आती हूँ। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम क्यों हो रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इस तरह से लगातार फेल क्यों होती जा रही है। डू समथिंग। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे? मैं एक बड़े बिजनेसमैन को जानता हूं जो ऐसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है। उनसे एक बार बात करते हैं। आई थिंक वो मदद कर सकता है। देन डू इट नाउ। ओके। हाय। क्या हुआ अनिका, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। हाँ टेंशन तो है। मेरे हस्बैंड को तुम्हारी कंपनी में जॉब मिलेगी या नहीं, इस बात का टेंशन है। ओ, मान गए तुम्हारे हस्बैंड। उसके पास कोई और ऑप्शन थोड़ी ना है। तो क्या तुम खुश होगी अगर उसे इस कंपनी में नौकरी मिल जाए? बताओ, खुश होगी ना? हाँ हाँ, वेरी हैप्पी। तो समझो कि नौकरी मिल गई। मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो। हाँ। नक्श वहाँ लॉबी में इंटरव्यू का इंतजार कर रहा है। नक्श को देखते ही विहान की कंपनी का सीईओ नक्श से बात करने आता है। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। सीईओ के ये कहते ही सब चौंक जाते हैं। क्या आप ये कंपनी खरीदने आए हैं? विहान भी वहाँ पहुँच जाता है और ये सब देखता है। जराटना, ये यहाँ कंपनी खरीदने आया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये यहाँ नौकरी के लिए आया है। सर, लगता है दिमाग तो आपका खराब हो गया। सीईओ की ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। आप जानते भी हैं कि आदमी कौन है? बाकी लोग तो शॉक्ड हैं, लेकिन अपने सीईओ को इतना सीरियस देखकर विहान भी चौंक जाता है। इन्हें कोई नौकरी पर रखे ऐसी कंपनी अभी तक बनी नहीं है। इन्हें तो कोई जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब चाहे बस खड़े खड़े बड़ी से बड़ी कंपनी खरीद सकते हैं। ए, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वो कहां चले गए?
क्या हुआ? अब उसने क्या कर दिया? क्या नक्श घर आया माँ? शायद आ गया है। अनिका, ये तुम्हारा फेवरेट फ्रूट सैलेड। तुम बिना इंटरव्यू दिए वहाँ से चले क्यों आए? अनिका, दरअसल वो तुम्हें वो जॉब करनी है भी या नहीं, बोल दो। अनिका, क्या हम अंदर चलकर बात करें? तुमसे क्या बात करूं? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने विहान से मदद मांगी ताकि तुम्हें जॉब मिल सके और तुम वहाँ से भाग आए। मुझे तुम गलत समझ रही हो अनिका। बस करो, अब मैं सब समझ गई हूँ। पता चल गया कि तुम किसी काम के नहीं हो। इतने वक्त से मेरी माँ मुझसे कहती रही लेकिन मैं उनकी बातों को टालती रही, तुम पर भरोसा करती रही, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया। सच्चा वेस्ट। अनिका, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कई बार हम टेंशन में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। पर मैंने कितनी बार कहा था आपको, वो पक्का मिस्टर भानुशाली है। कहीं वो हमसे नाराज ना हो गए हों। क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? हाय विहान, मुझे माफ करना, फिर से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ आगे काम करना चाहती हूँ। चीयर्स। क्या बात है बेटा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस खाना बनाने का मन कर रहा है। मेरी बात मानो और उसे तलाक दे दो, फिर देखो ये सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। मम्मा प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए शांति से खाना बनाने दे सकती हो? अनिका दुखी होती है। ठीक उसी समय नक्श किचन में आता है और अपने बारे में हो रही सब बातें सुन लेता है और मिठाई लेकर अनिका के पास जाता है। अनिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ, बोलो, इतना क्यों झिझक रहे हो? वो बात ये है कि मुझे नौकरी मिल गई है, इमीडिएट जॉइनिंग है। हाँ? वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम ये कहने के लिए इतना झिझक क्यों रहे थे? मुझे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? मैं तो यही कहती कि तुम घर पर बोर होने वाले हो। और क्या कहती मैं, लेकिन तुम तो मेरे बोलने से पहले ही समझ गए। वैसे क्या जॉब मिला? अनिका नक्श से पूछती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि चित्रा बीच में उसे टोक देती है। हाँ, इसे कोई कलेक्टर तो बनाने से रहा, कहीं ऑफिस बॉय या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई होगी इसे। नक्श को इस बात से बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है, पर वो चुप ही रहता है क्योंकि अब उसे इन बातों की आदत हो चुकी है। हाँ, तुम कभी नहीं बदलोगी माँ। जब देखो आग लगाने वाली बातें करती रहती हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, समझ गई? मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। नक्श, तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू अनिका। अनिका ये बात सुनकर खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। ये देश की टॉप डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी है। भानुशाली मीडिया में एक नया CEO अपॉइंट हुआ है। हर कोई टेंशन में दिख रहा है। एक CEO बनना, इतना ऊपर उठना हर किसी का सपना होता है। तभी हेडक्वार्टर में एक लग्जरी कार आकर रुकती है। सब लोगों को लगता है कि वही नया CEO आया है, लेकिन उस कार से एक खूबसूरत लड़की उतरती है। सबको लगता है कि वही CEO है। सब लोग उसे बुके देने जाते हैं, लेकिन वो बुके लेने से मना कर देती है। अरे सॉरी, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं। मैं तो नए CEO की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम नंदिता है। इतना कहकर वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। सब यही सोचते हैं जिसका PA ऐसी कार में आया हो, वो CEO किस कार में आएगा। हर कोई टेंशन में है। तभी सामने से एक आदमी स्कूटर पर आता है, सीधे साधे कपड़े पहने हुए, बिना किसी दिखावे के। वो कुछ 30 साल का लड़का है। वो ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी रिसेप्शनिस्ट शिल्पा उसे रोक देती है। हेलो मिस्टर, कहाँ जाना है? हाय, मेरा नाम नक्श है। प्लीज आप सामने से हट जाइए, मुझे अंदर जाना है। देखो, तुम जैसे लोगों की यहाँ नो एंट्री है।
ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वो थोड़ा रूड होकर बात करती है। मैडम प्लीज जाने दीजिए, मेरे यहाँ नौकरी लगी है, आज काम का पहला दिन है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, लेट हो जाऊंगा। नक्श उसे रिक्वेस्ट करता है। ओह ऐसा क्या, तो तुम्हारी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी है क्या? लेकिन वो तो ऑफिस के बाहर ड्यूटी करते हैं, जब बुलाया जाए तब अंदर आ जाना। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम सभी नए सीईओ का इंतजार कर रहे हैं। शिल्पा उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। हेलो मैडम, मैं ही हूँ इस कंपनी का नया सीईओ। रास्ता छोड़िए, अब मुझे जाना है। रियली? तुम हमारे नए सीईओ हो? बस बहुत हुआ, वो इस देश के सबसे अमीर आदमी है, और जरा खुद को तो देखो। शिल्पा उसे बहुत बेइज्जत करती है। तुम सीईओ का मतलब भी जानते हो क्या? नक्श को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ठीक तभी नंदिता वहाँ आ जाती है नक्श को रिसीव करने। वेलकम सर। थैंक यू। पर आप यहाँ कब आए? नंदिता नक्श को बुके देती है और उसे वेलकम करती है, लेकिन नंदिता शिल्पा को डांटती है कि उसने नक्श को रोका कैसे। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये है नक्श भानुशाली, हमारी कंपनी के नए सीईओ। शिल्पा नंदिता को सुनते हुए अब सीरियस हो जाती है और फिर नक्श को देखते हुए शिल्पा कहती है, ओह आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि आप ही सीईओ हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शिल्पा है सर। देखो शिल्पा, अनजान लोगों को बाहर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो लोगों से अच्छे से बर्ताव करो, देखो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारी बात करे तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा शिल्पा? किसी के कपड़ों से या पहनावे से उसे जज मत करो, ध्यान रहे फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ओके? नक्श की ये बातें सुनकर शिल्पा को शर्मिंदगी महसूस होती है। सॉरी सर, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ये सब बातें सुनकर बाकी सब भी बुके देने आ जाते हैं। ये फूल मेरे लिए है? हाँ सर, आपके लिए। थैंक यू। वेलकम सर। दूसरी ओर अनीका अपने ऑफिस के सभी मैनेजर्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग में प्लानिंग कर रही है। हाय एवरीवन, भानुशाली मीडिया में एक नया सीईओ अपॉइंट हुआ है। आई नो हम काफी टाइम से उस कंपनी से टाई अप के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अब हमें नए सीईओ को इम्प्रेस करना होगा और नए प्रपोजल्स उन्हें भेजना होगा। वी हैव टू क्रैक दिस डील। अनिका अपने मैनेजर से पूछती है, क्या वो सही सोच रही है? Tell me your opinions. That's a good idea. नए सिरे से प्रमोट करना ज्यादा अच्छा होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है मैडम। मैनेजर उसे सुझाव देता है कि अच्छा होगा कि पहले आप ऑफिशियली उनके सामने टाई अप का प्रपोजल रखें, उसके बाद वो देख लेंगे। अनिका ऑफिस से घर आती है और अपनी माँ से बात करती है। माँ, नक्श अभी तक आया नहीं? अभी तक नहीं आया, वैसे भी वो आए ना आए मुझे क्या। तभी नक्श अपने स्कूटर पर घर पहुँचता है। लगता है वो आ गया। हाँ, खटारा स्कूटर की आवाज सुनकर पता चल गया कि वो आ गया है। आप हमेशा गलत सलत कहती रहती हैं। तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई तो ये तेवर है, कहीं सीईओ बन गए तो फिर क्या करोगे? अनिका ऑफिस में जो कुछ हुआ सब नक्श से डिस्कस करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि नक्श इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं नक्श भी ये नहीं बताना चाहता कि वो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है। माँ की बातों का बुरा मत मानना, वैसे पहला दिन अच्छा था ना? पहला ही दिन था, इतना भी खास नहीं था, कोई बात नहीं। आज भानुशाली की सीईओ भी कंपनी में अपॉइंट हुए हैं, पहला दिन हर किसी के लिए खास होता है। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। लेकिन क्यों? एक डील काफी टाइम से पेंडिंग है, अब नए सीईओ आए हैं तो टेंशन नहीं होगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यस। अगले दिन अनिका भानुशाली के मीडिया ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ वो सीधे रिसेप्शनिस्ट शिल्पा के पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम अनिका है, मैं ज़वेरी कंस्ट्रक्शन की MD हूँ। आपके सीईओ के साथ मेरी आज की अपॉइंटमेंट है, प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। श्योर मैम। इतना सुनकर शिल्पा नंदिता को फोन करती है। हेलो। हेलो मैडम, ज़वेरी कंस्ट्रक्शन से अनिका मैम सीईओ सर के साथ मीटिंग के लिए आई है। नंदिता फोन पर रिप्लाई करती है। ओके, मैं सर का स्केड्यूल देखकर तुम्हें बताती हूँ, ओके? उन्हें वेट करने को कहो। ठीक है, मैं यहाँ वेट करती हूँ। ओके मैम। अनिका शिल्पा से कहती है कि वो लॉबी में वेट करेगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाय, मैं अनिका। ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। नक्श कैबिन में काम कर रहा होता है,
तभी उसकी नजर सामने सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ती है। नक्श देखता है कि अनिका लॉबी में इंतजार कर रही है। वो चौंक जाता है। ऑफिस में हर कोई जानता है कि नक्श ही सीईओ है। वो डर जाता है और तुरंत नंदिता को फोन लगाकर उसे कैबिन में आने को कहता है। One minute. Hello? Hello, नंदिता. Come to my cabin. Okay, sir. सर बुला रहे हैं। नक्श नंदिता से ऐसे पूछता है जैसे वो नहीं जानता कि अनिका कौन है। सर? वो बाहर रिसेप्शन पर बैठी लेडी कौन है? सर वो अनिका है, जवेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की एमडी। हमारी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती हैं और उसी के लिए प्रपोजल लेकर आई हैं। और इसीलिए वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहती है। नहीं, तुम एक काम करो, उनसे फाइल ले आओ, उतना ही काफी है। ओके सर। नक्श की ये बात सुनकर नंदिता अनिका के पास बात करने जाती है। मैडम, दरअसल सर थोड़े बिजी हैं, उन्होंने आपकी फाइल मंगवाई है, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। मैंने सोचा कि प्रपोजल मैं उन्हें खुद एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, पर अभी तो वो थोड़े बिजी हैं। फाइल दे दीजिए, वो देख लेंगे। नंदिता मना कर देती है और अनिका अपसेट होकर फाइल नंदिता को दे देती है। ओके मैम, ओके। ऐसे बिजी आदमी से कैसे मिलूं? डील होगी या नहीं, ये सोचकर वो अपने मैनेजर को कॉल करती है। मिस्टर नारायण, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। क्या हुआ मैडम, मीटिंग नहीं हो पाई उनके साथ? एक्चुअली पर्सनली मिलने का तो मौका नहीं मिला। उन्होंने फाइल मांग ली, पता नहीं ये डील हो पाएगी या नहीं, इसलिए अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढो। अब मैं क्या कहूँ, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वी नीड टू क्रैक दिस डील मैडम, अर्जेंटली। या सर? या एक्चुअली ये प्रपोजल डील अच्छी है, हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। सर, क्या आप इस कंपनी को जानते हैं? नहीं तो तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने किसी सीईओ को इतनी जल्दी डिसीजन लेते नहीं देखा, वो भी जवेरी कंस्ट्रक्शन के साथ एक भी मीटिंग किए बिना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे डील प्रपोजल एकदम सही लगा है। आई डोंट नीड टू टॉक टू देम। ये लो। ओके सर। उन्होंने हमारी फाइल भी लौटा दी, सो वी हैव टू लुक इनटू अनदर ऑप्शन। मैं बाद में कॉल करूंगी। नंदिता जाकर फाइल अनिका को लौटा देती है और फाइल खोलते ही अनिका का चेहरा दिए की तरह चमक उठता है। इस फाइल पर तो साइन है, इसका मतलब हमारी डील पक्की हो गई है ना? मैंने कभी किसी डील को इतने जल्दी साइन होते नहीं देखा। मे बी यू आर पुलिंग द राइट स्ट्रिंग्स। व्हाट डू यू मीन? आई मीन आप सही वक्त पर सही जगह पर हो, किस्मत आपके साथ है। हाँ मैडम, आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ, हमें आपका इंतजार रहेगा। ओके, मुझे एक बार उनसे बात करनी है, तुम करवा सकती हो? सॉरी मैडम, सर अभी बिजी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो नहीं मिलेंगे, प्लीज बात को समझिए। नंदिता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अनिका नक्श से मिल नहीं पाई इस वजह से निराश होती है, लेकिन प्रपोजल मिलने पर वो खुश भी होती है। उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। जब अनिका वहां से चली जाती है, ये कंफर्म होने पर नक्श अपने कैबिन से बाहर आता है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं साइन कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाय। सर, आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग के लिए अमेरिका और जापान के डेलीगेट्स वेट कर रहे हैं। वो हमारे साथ एक डील साइन करना चाहते हैं। उसी समय अनिका अपना बैग लेने के लिए वापस आती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। नक्श को वहां देखकर अनिका चौंक जाती है। उसको देख नक्श भी डर जाता है। क्या अनिका को पता चलेगा कि नक्श ही यहां के नए सीईओ हैं? कहां मर गए थे? सॉरी, क्या काम है आपको? किससे मिलना है? भानुशाली सर हैं क्या? भानुशाली? लगता है आप गलत पते पर आए हैं। बिल्कुल सही पते पर आया हूँ। मैं विहान ग्लोबल एंटरप्राइज कंपनी का सीईओ हूँ। दरअसल मुझे कुछ पता चला है। आपके पति का नाम महेंद्र है क्या? और आपका नाम चित्रा है? और आपकी बेटी का नाम अनिका है ना? हाँ, लेकिन ये भानुशाली कौन है? आप अपने दामाद का नाम तक नहीं जानती मैडम? आप मेरे दामाद को जानते हैं? लेकिन उसका नाम तो कुछ और है, क्या उसने अपना नाम बदलकर कुछ और रख लिया है?
हाँ देखिए मैडम, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक नंबर का घटिया इंसान है वो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी बेटी से झूठ बोलकर उससे शादी की और हमारा दामाद बन गया। इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए लोन किसने दिया? उन्होंने। उनकी जायदाद कितनी है जानती हैं? गिनने बैठेंगी तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। और आपको पता भी है कि उनके अंडर कितने लोग काम करते हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका दामाद क्या काम करता है मैडम? और आपको लगता है कि ऐसा आदमी किसी से पैसे मांगेगा? मैं सिर्फ सर से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, उनसे हमारी इस कंपनी के सिलसिले में बात करने के लिए। देखिए सर, जरूर आपको कोई गलत फहमी हो रही है। शट अप, जस्ट शट अप। गलत सोच तो आपकी है मैडम, मेरी नहीं। अगर वो चाहे तो हमारी कंपनी जैसी 100 कंपनीज खड़ी कर सकता है। वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा आदमी क्यों इतने छोटे से घर में रहता है। प्यार क्या क्या करवाता है? जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उसके लिए क्या क्या नहीं किया? क्या मेरा दामाद इतना बड़ा? अगर आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो अंदर जाकर टीवी ऑन कीजिए और बिजनेस न्यूज चैनल देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, भानुशाली मीडिया के सीईओ नक्श ने जवेरी कंस्ट्रक्शन के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट तय किया है। ये नक्श कौन है? अगर उसके पास इतनी दौलत है तो उसने ऐसी शादी क्यों की? वो घर जमाई क्यों बनकर रह रहा है? उसके साथ इन सभी ने इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी हैं? आखिर क्या कह रहा है वो सीईओ? इन सभी सवालों का तुरंत जवाब चाहिए तो पॉकेट एफएम डाउनलोड करें और सुने सुपर हिट सीरीज इंस्टा एम्पायर।